तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूं वीवो V20 का फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूं और आपको मैं V20 दिखा नहीं सकता इधर हाथ में कि मेरे पास V20 है या नहीं। आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं मेरे पास V20 है, मैंने 3 महीने पहले लिया था। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो जैसा कि आप अगर मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं अगर आप न्यू हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। 3 महीने पहले मैंने वीवो का V20 लिया था इससे यूट्यूब के चक्कर में वीडियोज़ बनाने के लिए। तो 3 महीने कम्प्लीट हो गए पूरे इसको इस्तेमाल करते हुए, तो आज मैं आपको बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। अगर आप मेरी बात करते हैं ना, तो इस मोबाइल की मुझे कौन कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, इसकी मुझे बैटरी टाइमिंग अच्छी नहीं लगी, के प्रोसेसर की स्पीड मुझे पसंद नहीं आई। और इसकी एक और बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि जब कैमरा में हम स्टेबलाइजेशन का मोड ऑन करते हैं तो सेंसर क्रॉप हो जाता है बहुत ज़्यादा, फ्रंट वाला तो बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, तो इससे हमें मसला होता है। मैंने तो फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है, तो जब स्टेबलाइजेशन ऑन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉप हो जाता है। अगर स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं करते तो बहुत ज़्यादा शेक करता है, मुझे इसमें ये कमी लगी, लेकिन चलता है, इतना तो होता है। फिर अगर आप बात करते हैं कि इसमें मुझे कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी, तो पहले नंबर पर मुझे इसका कैमरा अच्छा लगा है। इसके कैमराज की बात करें ना, तो कैमराज को 10 में से 10 नंबर दूँगा। और उसके बाद इसकी बैटरी भी ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी कम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की होती है कि पूरा दिन निकाल जाए, लेकिन पूरा दिन ये बैटरी नहीं निकलती, दूसरी बार चार्ज करना पड़ता है। और बाकी इसका डिज़ाइन वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा है, ये हो गया ओके। इसके अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं, इसकी बैक की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फ्रंट भी ठीक है। बैक पर 3 महीने हो गए हैं, कवर के बगैर भी मैंने इस्तेमाल किया, वैसे भी किया, इस पर अभी तक बैक पर स्क्रैच नहीं पड़े। और इसकी अगर साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स पर स्क्रैच पड़ गए थोड़े बहुत, 3 महीने में थोड़े बहुत स्क्रैच पड़ गए, साइड्स की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है नहीं। और इसके डिस्प्ले वगैरह की बात करते हैं तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, बुरी नहीं है, नॉच है, लेकिन डिस्प्ले अच्छा है। और प्रोसेसर की बात करते हैं तो प्रोसेसर के मामले में मुझे कम लगा, मुझे बाकी सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो मुझे इसका प्रोसेसर कम लगा। और बाकी ऐसा कोई मसला है नहीं इसमें, साइड पर स्क्रैच वगैरह पड़ गए, इससे को भी मैं कमी कहूँगा। डिस्प्ले बाकी सब आप लोगों की प्रेफरेंस होती है, मुझे किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए सिर्फ कैमरा और परफॉर्मेंस अच्छी हो, वीडियो एडिटिंग मुझे करनी होती है, तो इसलिए मेरे लिए तो ये। और इससे ऊपर वाला मॉडल वीवो का V21 अभी लॉन्च हो चुका है, तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको अपग्रेड करूंगा या नहीं, इसको सेल कर V21 पर जाऊंगा या नहीं, उसके के बारे में मैं आपको मुकम्मल मालूम दूंगा। उसका कैमरा थोड़ा बेहतर है और बैटरी वगैरह और प्रोसेसर मीडिया टेक है, लेकिन इससे बेहतर है, तो इसके बारे में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो मैं अपग्रेड करूँगा या नहीं, V20 को सेल करके V21 लूँगा या नहीं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। तो एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर आप कैमरा के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसके कैमरे में आपको कोई खामी नहीं मिलेगी, सिर्फ स्टेबलाइजेशन के मोड में जब क्रॉप होता है, इसके अलावा आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस रेंज में आपको इससे अच्छा कैमरा नहीं मिल सकता। तो कैसी लगी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में।